हाँ सर, शुरू करिए। हाँ जी, हाँ महावीर जी, आवाज आ रही है? हाँ रवि सर, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, मेरा राजकुमारी मैडम के बोर्ड में था, और चूंकि ड्रेस सेंस में तो मैं सूट लगा के गया था, टाई वाई सब थी। अंदर गया जाते ही मैडम ने जैसे विश किया सबको, फिर मैडम ने कहा बैठिए, तो बैठ गया। तो मैडम ने कहा कि आप मास्क उतार दीजिए, तो मास्क उतार लिया। उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि 10th कहाँ से की, कौन से स्कूल से की, 12th कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से की, जॉब में भी हो, LDC, वो LDC UDC ऐसे बोल रही थी, LDC UDC हो गया। मैडम, मैंने कहा सॉरी मैम, मैं जूनियर अकाउंटेंट हूँ। तो कहे पोस्टिंग कहाँ है, तो पोस्टिंग वाला बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा, एक तो कहे ये 7th शेड्यूल, मतलब ये जो सूचियाँ हैं जिन विषय डिवाइड किए हुए हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत, तो ये कौन से में है? तो मैंने बता दिया मैडम 7th शेड्यूल में है। क्या कौन कौन सी हैं? तो तीनों का नाम बता दिया। फिर ये पूछा कि अगर एजुकेशन कौन सी में है? मैंने कहा मैम एजुकेशन संवर्ती सूची में है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा की बात काफ़ी की है महात्मा गांधी जी ने, और आज तक बुनियादी शिक्षा पे कोई ऐसा प्रभाव उसका दिख नहीं रहा, क्या कारण है? RTE आ गया उसके बावजूद भी। तो फिर मैंने बताया मैम कि कहीं ना कहीं आधार पूछ संरचना और लोगों तक पहुंच नहीं थी संसाधनों की, यही मुख्य कारण रहा है। तो कह अभी क्या प्रयास हो रहे हैं? तो वो लग रहा था क्योंकि वो आप समझ सकते हो कि बोर्ड है वो पुराना बोर्ड है, तो मैंने भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में बता दिया उनको कि इसमें बुनियादी शिक्षा की बात की गई है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, और नर्सरी से पूरी स्कूलिंग पैटर्न को इसमें ध्यान रखा गया है कि हाँ ये सही है। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा था कि सती प्रथा के बारे में, कि सती प्रथा सती क्यों होती थी? तो मैंने बता दिया मैम वो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी इसलिए होती थी। क्या राजा राम मोहन राय जी का कोई क्या रोल था? मैंने कहा मैम राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से 1829 में और विलियम बेंटिंग ने इस पर रोक लगाई थी। क्या और बताओ राजा राम मोहन राय का? तो राजा राम मोहन राय जी का और बता दिया कि ब्रह्मो समाज की स्थापना की, प्रेस के माध्यम से जनजागरण के प्रयास किए, पुनर्जागरण के प्रणेता माने जाते हैं वो भारत में। इसके बाद मैडम ने दूसरे मेंबर को शिफ्ट कर दिया। दूसरे मेंबर ने कोई ऐसे खास क्वेश्चन पूछे नहीं, एक या दो क्वेश्चन पूछा था। जैसे एक तो उन्होंने पूछा था कि जो किसान तथाकथित किसान आंदोलन है या किसानों के काले कानून है, ये क्यों क्यों हो रहे हैं, ये विवाद डिस्प्यूट क्यों हो रहा है? जब आप कह रहे हो कि भाई शक्तियां विभाजित हैं, उसके बावजूद भी आप मेरे को एक बात बताओ कि जो कानून कौन बनाता है? मैंने कहा सर कानून जो संघ सूची है उस पे तो केंद्र सरकार बनाती है, और राज्य सूची पे राज्य सरकारें, वो समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें बना सकती हैं, लेकिन प्राथमिकता केंद्र सरकार के कानून को दी जाएगी अगर केंद्र सरकार का कानून बना हुआ तो, मतलब संसद का कानून बना हुआ तो। क्या ठीक है? तो फिर ये विवाद क्यों हो रहा है? तो फिर विवाद उनको बताया कि सर चूंकि कृषि है वो राज्य सूची का विषय है, और कृषि से जुड़े हुए कुछ अन्य विषय हैं वो समवर्ती सूची में है, इसलिए विवाद है। क्या राजस्थान में भी बने हैं? मैंने कहा सर राजस्थान में बने, लेकिन वो भी राष्ट्रपति महोदय के लिए और राज्यपाल महोदय ने अपने पास रख रखे हैं। फिर उन्होंने 3rd मेंबर को कर दिया ट्रांसफर। 3rd मेंबर ने भी कोई विशेष क्वेश्चन नहीं पूछा, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि आपका लो सब्जेक्ट रहा है, कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे? तो उसमें मैंने बता दिया एक तो लॉ एंड मेडिसिन और एक जूरिस प्रूडेंस बताया था, ये दोनों बताए थे। कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने कहा सर है ही, वो तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ और लॉ के टाइम में भी पढ़ा है। तो उन्होंने उससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को पूछे नहीं। इसके अलावा उन्होंने पूछा महिला सशक्तिकरण क्या है, तो महिला सशक्तिकरण के बारे में मैंने कह दिया सर महिलाओं का सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से पुरुषों की समान भागीदारी है, तो महिला सशक्तिकरण है, कि इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? तो उनको बता दिया वन स्टॉप है, डोर स्टॉप है, महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जा रही है, महिला थानों की स्थापना की जा रही है ताकि उनके प्रति क्राइम नहीं हो, इसके अलावा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा वाला है। तो कहे ठीक है। इसके बाद OB पे आ गए 4th मेंबर, उन्होंने पूछा कि आप कुकिंग आपकी हॉबी है, तो आप मेरे को ये बताओ कि राजस्थानी खाना खाने में क्या बना लेते हो आप? तो मैंने कहा सर मैं कह सांगरी की सब्जी है, लापसी है, बेसन गट्टे की सब्जी है,
दाल बाटी चूरमा सारे सारे बना लेता हूँ। क्या आप मेरे को बताओ, दो सब्जियां बताओ आपको जो सबसे बेस्ट लगती हैं। तो मैंने कहा सर, एक तो कैर सांगरी की सब्जी अच्छी लगती है, एक बेसन गट्टे की। एक बेसन गट्टा बता दो कैसे बनाया जाता है। तो मैंने बता दिया उनको कि ऐसे बनता है, बेसन है, बेसन के अंदर आप जो उत्पाद हैं वो डाल दो, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो, और तेल का मोन दे के उसको बेले उनके काट लो, गट्टे काट के फिर उनको पानी में बॉईल कर लो। कि आप ये बताओ, झुंझुनू में कोई ऐसी चीज़ें हैं क्या जो खाने की, खाने में काम में ली जाती हैं, जिनको रासायनिक खाना कह सकते हैं। इनका सर कातरी है, कैर सांगरी भी होती है, इसके अलावा सर बाजरा काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद मैडम के पास आ गए वापस। मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी का, और चूंकि वो तो मेरा ब्रह्मास्त्र है, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप स्वामी विवेकानंद, आप झुन्नू से हैं, स्वामी विवेकानंद जी का झुन्नू से कोई नाता रहा है क्या? मैंने कहा मैम, निश्चित रूप से नाता रहा है। स्वामी विवेकानंद जी 3 बार उन्होंने यात्राएं की थी झुन्नू की, और उसमें से 1891 और 1895 की जो यात्राएं हैं वो उनकी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। 1891 वाली यात्रा है, उसमें उनका नाम है वो महाराजा अजीत सिंह जी ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया था उनको। पहले उनका नाम विविधीशानंद था, और शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए उनको फाइनेंस भी किया था, और वो वापस आए थे शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेके। तो फिर उनकी दूसरी यात्रा हुई थी, उसके बाद मैडम ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो ऐसे कोई ज़्यादा वो लगा नहीं। कोचिंग वाले हैं वो तो क्या, मैं तो खुद भुगत भोगी रहा हूँ यहाँ भी दिल्ली में भी। तो कोचिंग वालों का तो ज़्यादा ये रहता है कि आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो एक दिन में नहीं बदल सकती, ये एक सतत प्रक्रिया है लंबी चलने वाली। तो आप जितने ज़्यादा नेचुरल रहोगे, कॉन्फिडेंस रहोगे, नहीं आ रहा तो मना कर दो साहब, कैसा नहीं आ रहा। हाँ वो बात अलग है, जिनमें आपके आइडियाज और व्यूज मांगे जा रहे हैं उस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। लेकिन अगर आपको वो पूछ रहे हैं कोई फैक्चुअल क्वेश्चन और उसमें नहीं आ रहा, तो आप मना कर दो कि सर नहीं आ रहा मेरे को, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि तो होनी चाहिए इसलिए मैं इसकी जानकारी करूंगा, या माफी चाहता हूँ सर, जो भी आप बोल सकते हो। ये रहा मेरा साक्षात्कार। थैंक यू रवि सर। आप लोगों से कोई मेम्बर से कोई एक सवाल है किसी की तरफ से, आप सर से पूछ सकते हैं अभी, तो कोई डाउट की कुछ और क्यूरी वगैरह हो तो। कोई सवाल नहीं लगभग, आप तो लगभग सर सब आपके सुने। पूरे डेफ को कवर किया गया था क्या? हाँ डेफ कवर हो गया ना, जैसे मान लो उन्होंने